हेलो फ्रेंड्स, आज हम पांचवी कक्षा का नंदनवन ये पाठ देखेंगे, ये पाठ सीखेंगे। तो मित्रों, आपको मालूम है पेड़ है ना, तो पहले तो छोटा पौधा होता है, फिर बाद में वो बड़ा बन के पेड़ बन जाता है। और आपको मालूम है पेड़ हमको क्या क्या देते हैं। पेड़ हमको शेड मीन्स सावली देते हैं, देन फल देते हैं, फूल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, है ना, और ईंधन के स्वरूप में हमको लकड़ी भी देते हैं, है ना। हम फर्नीचर भी पेड़ की लकड़ी से ही बनाते हैं ना, गम डिंक, है ना। और कुछ कुछ तो पेड़ मेडिसिंस भी देते हैं, औषधियाँ भी देते हैं, है ना, जैसे कि नीम का पेड़, है ना। तो पेड़ हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में, प्राणियों के जीवन में इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, उनका कोई पर्याय ही नहीं है, है ना। तो इस पाठ में हमको एक संदेश दिया गया है, पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। देखो अभी तो क्या कर रहे हैं, औद्योगिकरण की वजह से, शहरीकरण की वजह से, या रास्तों की वजह से क्या करें, पेड़ काटे जा रहे हैं, है ना। और हमारी जो बढ़ती लोकसंख्या की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं, उनकी लकड़ियाँ फर्नीचर के लिए इस्तेमाल होती हैं, है ना, कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग में इस्तेमाल होती है। तो वो क्या कर रहे हैं, लोग पेड़ काट रहे हैं, तो हमको पेड़ बचाने हैं। तो पेड़ बचाए कैसे जा सकते हैं, तो समझो अगर आज एक दो पेड़ कटे तो हमको 10 लगाने चाहिए, 15 लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ है तो ऑक्सीजन है, पेड़ है तो बारिश है, और पानी है तो हमारा जीवन है, है ना। ये जो जंगल में रहने वाले प्राणी होते हैं, पक्षी होते हैं, पेड़ पे रहने वाले, उनका भी जीवन हमने प्रॉब्लम में डाल दिया है, है ना, उनको भी समस्या है, हमने पेड़ काटे तो हमको ये संदेश दिया है, पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। हम वृक्षारोपण के कार्यक्रम करते हैं ना गांव में, गड्ढा खनते हैं, गड्ढा करके उसमें छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, फिर उसको पानी डालते हैं, है ना। तो आज हम ये नंदनवन पाठ में ये जो प्राणी आपको दिख रहे हैं, तोता हो, हाथी हो, खरगोश, लोमड़ी, है ना, तितली भी है, तो ये प्राणी हमको, मतलब सारे विद्यार्थियों को एक संदेश देते हैं, है ना। तो क्या संदेश है, देखो तोता बोल रहा है नमस्ते, जैसे कि हम अपने से बड़ों को नमस्ते करते हैं ना, छोटों को नहीं, बड़ों को, पापा हो, मम्मी हो, चाचा हो, चाची हो, मामा मामी, उनको क्या बोलते हैं, नमस्ते। तोता बोल रहा है नमस्ते, वैसे सारे स्टूडेंट्स को भी अपने से बड़े लोगों को नमस्ते करना चाहिए, है ना। तितली बोलती है स्वागत है, अगर हमारे घर पे कोई रिलेटिव्स आते हैं, है ना, मेहमान आते हैं, तो हम भी बोलते हैं ना स्वागत है, उनको पानी देते हैं, चाय वगैरह पूछते हैं, खाना वगैरह देते हैं। क्या कभी मेहमान को ऐसे बाहर निकलते हैं क्या, चलो जाओ, क्यों आए हो आज, ऐसे बोलते हो क्या कभी, नहीं ना। तो खरगोश क्या बोल रहा है, देखो नाचो गाओ, जब आप स्कूल में होते हैं या फिर छुट्टियों में आप कहीं पिकनिक पे जाते हो, है ना, समर कैंप में जाते हो, तो आप एंजॉय करते हो, वैसे बच्चों को कैसे रहना चाहिए, आनंद से रहना चाहिए।
नाचो गाओ खूब मस्ती करो, लेकिन स्टडी भी करो। सिर्फ नाचो गाओ बोलो तो नहीं चलेगा ना, स्टडी कौन करेगा फिर? स्टडी भी करो फिर नाचो गाओ, है ना। लोमड़ी क्या बोल रही है? हम सब साथ है। लोमड़ी का मतलब है हम सारे प्राणी जो है जंगल के वो सब साथ है आपके, है ना। तो पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। हाथी बोलता है कतार में चलो, मतलब लाइन से चलो, है ना, इधर उधर नहीं चलना। जब आपके जो खेल के शिक्षक होते हैं वो आपको कभी खेलने को छोड़ते हैं तो आप कैसे जाते हो क्लास के बाहर? कतार में जाते हो ना, कैसे ऐसे ही भाग जाते हो, नहीं ना, क्योंकि शिस्त जो है वो अच्छी चीज़ है, है ना। और अपने मन की शिस्त जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। किसी से बताने से पहले हम अपने आप खुद को जो अच्छे से ट्रीट करने पे मजबूर करते हो ना, तो उसको शिस्त बोलते हैं, है ना। तो हाथी बोल रहा है कतार में चलो। तो देखो बच्चों, इस घने जंगल में तोता, हाथी, तितली, खरगोश, लोमड़ी, इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है। तो आप भी ध्यान रखो, पौधे लगाओ पेड़ बचाओ, है ना। पेड़ है तो हमारा जीवन है, पेड़ है तो प्राणियों का जीवन है। पेड़ पे पंछी रहते हैं, उनके घोंसले होते हैं, उनके अंडे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो अगर हमने पेड़ काटा तो फिर वो तो मर जाएंगे, अंडे फूट जाएंगे, है ना। जैसे कि हमारा गांव होता है वैसे पेड़ पंछियों का गांव होता है। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो सारे बच्चों ने क्या करना चाहिए? पौधे लगाने चाहिए और पेड़ बचाने चाहिए। तो बच्चों, इस पे आप अपने मन से 5-10 पंक्तियाँ अपने नोटबुक में लिखो और मुझको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो, ठीक है। अगले लेक्चर में हम अगला पार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।